गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में हुए हंगामे एंड स्पोर्ट एडमिशन में हुए बहुत सारे परेशानी के बारे में। तो दोस्तों, बहुत बहुत करता हूँ स्वागत आपको अपने चैनल एजुकेशनल पॉइंट पर। आइए हम बात करते हैं पाटलिपुत्र में हुए हंगामे के बारे में। तो सबसे पहले आप ये वाली पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पर जो पिक्चर आपको ये दिख रही है, ये वाली, ये हंगामा जो कल हुई थी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में, उसकी ये फोटो है। आप चलते दोस्तों न्यूज़ पर। न्यूज़ क्या है आखिरकार दोस्तों, यहाँ पर तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि दाखिले में गड़बड़ी का आरोप लगा। मैं आपको चाहता हूँ पूरा का पूरा मामला बताना। देखो हुआ क्या एक्चुअली में, कि सबसे पहले कहा गया था कि आप लोगों को 31 तक पहले पोर्टल खुलेगा, उसमें आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। जो बच्चे अप्लाई नहीं किए हैं या फिर जो बच्चे का लिस्ट में नाम नहीं आया है या फिर कहीं एडमिशन नहीं हुआ, उनको 31 आपको जुलाई तक उनको मतलब कि अप्लाई करनी थी। उसके बाद फिर कहा गया था कि 2 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगा और आपको 3 से लेकर 5 तक आपकी एडमिशन होकर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, उसका उल्टा हुआ। फिर ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने फिर एक मेरिट लिस्ट निकाली और वो मेरिट लिस्ट 2 को नहीं आकर 6 को आया, ठीक है। तो वहाँ पर अपना वो गलत ठहरा है। उसके बाद 6 का जो मेरिट लिस्ट आया, उसका कहा गया कि आपका जो मतलब होगा एडमिशन वो 7 से लेकर 9 तक के बीच में हो जाएगा। फिर दोस्तों इसमें एक और चक्कर लगा दिया गया पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की तरफ से। कहा गया कि जो आपका जो होगा सो 8 से लेकर 14 तक आपको पहले कॉलेज चुनना पड़ेगा, 15 का 15 कॉलेज, फिर मेरिट लिस्ट जारी करूँगा, उसके बाद एडमिशन लूँगा। अब यहाँ चक्कर पर चक्कर देख कर यहाँ बच्चे ने क्या किया, दाखिला में कर दिया हंगामा। यहाँ से यहाँ पे ये देख रहे हैं फोटो, ये उसी हंगामा की है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि दाखिला में गड़बड़ी का लगाया गया आरोप, और अभी तक आपको कहीं एडमिशन की कोई भी यहाँ पर न्यूज़ नहीं आई कि एडमिशन किस तारीख से लिया जाएगा। फिलहाल अभी 8 से लेकर 14 तक आपको फिलहाल अपने 15 कॉलेज चुनना पड़ेगा। और जब बच्चे जा रहे हैं कॉलेज में एडमिशन के, तो वहाँ क्या कहा जा रहा है उनको, यहाँ लिखा हुआ है कि संगठन वी प्रशासन पर नामांकन में गड़बड़ी का आरोप लगाया। छात्रों का नेताओं का कहना है कि एक प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो रहा है और दूसरी प्रक्रिया यहाँ लागू कर दिया गया है। पहले एक प्रक्रिया पूरा करो, जो कि मेरिट लिस्ट में फर्स्ट में जिनका नाम आया है पहले उसको कंप्लीट करो, उसके बाद ही तुम कुछ और करना, ऐसा कहना है छात्र नेताओं का। और कोई बच्चे अगर जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है वो जा रहे हैं कॉलेज, तो उनको क्या कहा जा रहा है यहाँ देख लीजिए। उनको कहा जा रहा है कि पोर्टल खुला हुआ है, यहाँ देखिए पोर्टल खोल दिया गया है, पहले जाकर तुम सीट भर लो, अपना जो नामांकन के लिए चुन लो, उसके बाद ही तुम यहाँ पर आना, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों। उसका एक न्यूज़ यहाँ पर और निकल के कि नामांकन के लिए रोक के लिए हंगामा जोर शोर से हो रही है। यहाँ देखिए यहाँ सारी चाहता हूँ दिखाना, मैं उतना डिटेल्स नहीं चाहता हूँ बताना, डिटेल्स में चाहता हूँ थोड़ा सा बताना इस न्यूज़ पेपर में। आप चाहे तो हिंदुस्तान पेपर से पढ़ भी सकते हैं बिहार वाली। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि इनकार करते हुए तरह के नए निर्देशन पुनः ऑनलाइन कर 15 कॉलेज के लिए ऑप्शन देने की बात कही है, यही आदेश छात्र छात्राओं के भविष्य की खिलवाड़ है। छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय के नए आदेश की वापसी करने पर आपको जो है सब मांग की जा रही है। और उनका कहना है कि पहले उनको जाकर 15 कॉलेज वाली चुननी है लिस्ट, उसके बाद फिर लिस्ट आएगी, अगला नामांकन का आएगा तिथि, तब तो आपको नामांकन करना है। और एक युवती को इसमें जेल भी डाल दिया गया है। बस दोस्तों यही न्यूज़ है, और अभी तक कोई भी अप्लाई डेट यहाँ पर नहीं निकल के आई है। और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी थोड़ा सा ज़्यादा हंगामा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। तब इतना इंतज़ार कर लिए तो आपका एडमिशन आपको होकर रहेगा। और बस आज के न्यूज़ में यही था, लेता हम विदा। और दोस्तों आज शाम में आएगी वीडियो व्हाट इज़ गैप सर्टिफिकेट, ये देखिए एक थंबनेल में दिखाया था आपको, ये वाली थंबनेल आप अगर चाहते हैं देखना तो आके यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, मैं दिखाया था दोस्तों, एक मिनट। ये देखिए ये वाली गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे बनता है, आज शाम में आएगी, अगर चाहते हैं देखना दोस्तों आप तो देख लेना। साथ ही साथ पटना हॉस्टल में नामांकन के लिए क्या क्या हुआ है प्रक्रिया, वो भी आप लोग देख लेना। लेता हम विदा, नमस्कार, फिर मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।